अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट मदर में अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट मदर में, अगर आप ठीक नहीं तो ठीक हो जाएगी कि मैं व्लॉग आ गया है फ्रेंड। यहाँ पे बन गई है मज़ेदार किस्म की कॉफ़ी, ये देख सकते हैं। जोर से चमच मारा उसको, कमीने इसको ना मार दे। देखें फ्रेंड, ये मिक्स होगी और ये सारा कलर पूरी कॉफी में आ गई। और ऐसे धुआं नहीं करा जैसे करा मैं। तो फ्रेंड इसको मैं पीऊंगी, जिसमें जाहिर रखना नहीं रहे। मजेदार, कौन सी हमने पी थी? मौका उससे ज्यादा मजे की है। और कैसे धुआं नहीं करे? हाँ नजर ही नहीं आ रही। आपने पीनी है? लाओ जेजी, नंगा बैठा हूँ यहाँ पे। जेजी को मैंने नहला दिया, गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए इसकी शर्ट उतारी हुई थी पहले। इससे पहले इसको ब्लैक एंड वाइट पहनाई हुई थी फुल बाजू, क्योंकि इसको मैं वॉक करवाने बाहर ले गई थी। और अभी इसको मैंने नहला के स्लैंटीज दी हैं और साथ में कोक दी है। अभी मैंने ये भी मंगवाई हैं इसके लिए चीज़ें, बिस्किट्स वगैरह और स्लैंटीज हैं। और साथ में ये हमने कोक का पैट अंदर लेके आ रही है। कोक है पेप्सी कप। अच्छा, तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करें, बिकॉज दिस इज एन एंटरटेनिंग व्लॉगिंग चैनल। अल्लाह हाफिज नहीं होना मतलब इसको बहुत पसंद आ रहा है। इसे कार्टून्स लगे हैं, खाओ खाओ। तो इसके मैं क्लिप को शॉर्ट रखूँगी जी। तो फ्रेंड यहाँ पे हो गया है मेरा और जेजी का ब्रेकफास्ट टाइम। फ्रेंड्स हम करते हैं ब्रेकफास्ट और आपके साथ शेयर करते हैं। जेजी को बहुत मुश्किल मैंने बिठा के शेल्फ पे। ओए क्या खा रहा है तू? कुछ नहीं, जूठी मूठी का खाना। और ये एगी बना लिया मैंने इसके लिए, साथ में एक छोटा सा स्क्वायर पराठा, अपने लिए बड़े पराठास बड़ी देर के बाद बनाए हैं मैंने। आमना ने मुझे बना के दे देती है कभी, लेकिन मैंने बहुत देर बाद बनाया। और ये साथ में चाय, ये हम लोग ब्रेकफास्ट इंजॉय करते हैं माँ बेटा और फिर बाकी का दिन आपके साथ शेयर करते हैं जी। तो फ्रेंड्स ये कुछ दिन पहले मैंने शायद आपको वीडियो में बताया था, या आप आने वाली वीडियो में शायद देखें, कि मेंढक का जिक्र हुआ था कि हमने अपनी लाइफ में इतना छोटा मेंढक कभी भी नहीं देखा। इतना छोटा मेंढक, बल्कि इससे भी छोटे साइज़ थे, लेकिन ये बहुत मुश्किल के बाद मुझे मिला। नहीं तो हमारे घर में वैसे फिर रहे थे दो तीन चार पाँच एट अ टाइम फिर रहे थे। लेकिन ना जब हमने वीडियो बनाने की बात की तो शायद उनको भी समझ आ गई, वो उनकी भी फैमिली शायद उनको अलाउ नहीं करती कि वो यूट्यूब पे आए, तो इसलिए वो जो है छुप गए थे। यहाँ पे आमना ने बनाई थी बहुत बहुत मज़ेदार किस्म की भुजिया, और मैंने अपने लिए बना लिए हैं दो पराठे, एक जो है वो स्क्वायर है और एक जो है वो राउंड है। और यहाँ पे है साथ में दाल जो कि हमारे हमसायों ने भेजी थी, दाल करेले का सालन, बहुत बहुत मज़े का था। एक करेला मैंने खा लिया है, एक अभी फ्रिज में पड़ा हुआ है, ये भी गर्म नहीं किया सालन, ये कर लिया है। और ये चाय बन गई है और ये साथ में पराठा बन गया। मुझे आज लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, अकेले ब्रेकफास्ट करने को दिल तो नहीं चाह रहा था, लेकिन जेजी थोड़ी देर के लिए उठा था, फिर वो तंग बहुत ज़्यादा करता है किचन में, इसे मैंने उसको दो तीन बार माशाल्लाह से फीडर दिया और फिर वो सो गया। तो अभी बच्चे सो रहे हैं, फिर उठेंगे तो देखेंगे अब क्या करना है। फिलहाल ये मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट मैं अकेले इंजॉय करने लगी हूँ। ये जो भुजिया है वो मुझे बताना आपको याद नहीं रहा, ये कढ़ाई में गर्म की थी मैंने, अभी थोड़ी सी इसमें और भी है। हमने को इतनी भूख होगी, हम सालन बहुत ज़्यादा नहीं खाते। और ये साथ में जो है दाल अब तवे पे गर्म कर रही हूँ और चाय फुट करके फिर आपको पूरी एक ट्रे दिखाती हूँ। ये एक पराठा है स्क्वायर और ये वाला है राउंड, और ये है मेरी स्ट्रॉन्ग सी चाय। शुक्र है थोड़ी ज़्यादा बन गई है, हमेशा मुझसे बहुत कम बन जाती है, पता नहीं क्यों। और आमना को मैं जितनी कहती हूँ मुझे कम देना, वो मुझे उतनी ज़्यादा दे देती है। और ये है आलू की भुजिया और साथ में ये है हमारी दाल। ये देखें फ्रेंड्स, इनफैक्ट लाइट नहीं ऑन हो पाई थी इसलिए आपको अच्छे से दिखाया नहीं जा रहा था, अभी आप देख सकते हैं। और ये मैंने मंगवाया था अचार, बल्कि मैं लेके आई थी खुद ही, इसको भी खोलते हैं।
यहाँ पे फ्रेंड्स हो गया है सरप्राइज़ मेरे साथ, क्योंकि यहाँ पे अचार जो है वो आमना ने खोल दिया हुआ है, और हम लोग चाह रहे थे कि हमें ये पसंद नहीं आ रहा था, हम लोग चेंज कराना चाह रहे थे, मार्केट भी गए, फिर पता नहीं क्यों हमें सुस्ती हो गई। चेंजिंग से मुझे जो है ना थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं कि एलर्जिक है। तो एनीवेज खुशबू तो बड़ी प्यारी आ रही है, तो इंशाल्लाह टेस्ट भी इसका अच्छा होगा, वामना उठेगी, उसने टेस्ट ऑब्वियसली किया होगा खोल के। फ्रेंड यहाँ पे मेरी फ्रेंड के बेटे जो हैं वो हमारे घर आए थे, और वो स्पाइडरमैन बने हुए थे, बहुत 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 क्यूट लग रहे थे। माशाल्लाह दो बेटे हैं उसके, उसका बहुत दिल चाहता है मेरी बेटी हो जाए। तो फ्रेंड्स आप उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उसको बेटी भी दे, अल्लाह पाक किसी को भी दोनों नेमतों से महरूम ना रखे, नेमत और रहमत से। ये माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारे लग रहे थे, इतने क्यूट लग रहे थे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं सोच रही हूँ कि मैं ना जेजी के लिए भी लेके आऊँ, और बच्चे ने मुझे पूरा एड्रेस बताया कि ये आप वहाँ पर जाएँगे, वहाँ पर जाएँगे, वहाँ से आपको जेजी के साइज़ का भी मिल जाएगा। लेकिन इसमें नायलन मिक्स होती है, गर्मी है, मैं विंटर्स में इंशाल्लाह ज़रूर लेके आऊँगी। स्पाइडरमैन जो थे वो चले गए थे अपने अपने घर को उड़ के, या पता नहीं कैसे, बाइक पे या गाड़ी पे, कुछ समझ नहीं आया कि वो कैसे गए हैं। तो मेरा हाल है बाइक पे गए थे, है ना, अपने दादा बू के साथ, आई थिंक स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन की एनर्जी खत्म हो गई थी, उसकी फूम खत्म हो गई थी। स्पाइडरमैन के दादा बू भी हैं लेकिन वो स्पाइडरमैन नहीं है और ये इधर जेजी ने तंग करके रखा हुआ है आमना को, जाना खाना इसने आमना को मील नहीं सही से लेने देता। ये जेजी के पास इतने ऑप्शंस होते हैं माशाल्लाह। ये इसमें जूस डाला हुआ है इस फीडर में, इसमें दो तरह के फ्लेवर डाल के पता नहीं इसको क्या आमना ने बिग एप्पल और बना के दिया हुआ लेकिन वो इसके साथ में फेंक रहा, वो नहीं पी रहा, ये जूस पी लेगा इंशाल्लाह ताला। और आमना यहाँ पे खा रही है चाय बाकर हनी। आमना क्या कहना चाहेगी? आमना कहना चाहेगी आमना के सर में दर्द शुरू हो गई है इस बच्चे की वजह से। तो तुम एक पैनाडा ले लो ना साथ। फ्रेंड्स पैनाडा तो हमारे घर ऐसे जैसे बंटिया होती कहता नहीं 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 कहा हुआ जैसी कहा हुआ जैसी वाला है बकरानी भीम खुद ही खाना चाहते हैं नहीं फ्रेंड्स बस मेरी इंग्लिश सर दर्द की वजह से भूल गई। चलो ठीक है इसको खिलाओ साथ। इसके मुंह में थोड़ी सी डाल क्यों नहीं देती तुम? ठहर मैं खिलाऊं। बहुत कर रहा मैं बी फ्रेंड अभी मैं छोड़ो लाओ मैं खिलाऊं। मामा को मामा खिलाए मामा मामा ये देखो ओए इसको थोड़ा गर्म खिला दोगी ना इसको थोड़ा सुकून हो जाएगा। बेचारे को गर्म लगा अम्मा उसको सर हुआ। छोड़ो ये पकड़ो जरा ऐसे गर्म खिला के बच्चों को सुन नहीं होते थे बच्चों को समझाते हैं। ये इधर से साइड से थोड़ी ठंडी हो इतनी गम नहीं है। ओए स्टाइल है भाई स्टाइल हमारे बेटे के स्टाइल है जी। अरे तुम्हें और स्पून ला दूं वो इससे इसी में डाल रहा है कोई फायदा नहीं है उस स्पून का। ये लियो ये लियो फ्रेंड जो चाहता है मैं ये वाला स्पून पकड़ के अंदर फूड डाल के खाऊं। चलो आओ 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 चल आओ चले जा रहा है ये। हाँ, बाय बाय फ्रेंड्स ये था आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियोस को शेयर करें फ्रेंड फैमिली के साथ। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स मेरी डेट टेल कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। मैंने कल बनवाई थी मैसेज हो गई इतना अच्छा लगा ना कि बॉल मुँह पर नहीं आए ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ तो मैं रोज़ ऐसे बनवाती हूँ और आपने कमेंट्स में बताना आपको कैसी देखती है। और अगर आपको नहीं बनानी आती तो आप हमें कमेंट पे बताएं हम आपको बनानी बताएंगे कैसे बनाते हैं प्यारी सी चुटिया।